मीरा साहेब की साधना यदि आप लोगों को करना है, करना चाहते हैं तो आप लोग करें, अभी से शुरू करें। शुरू यदि आप लोग किए हैं तो भी यह ज्ञान आपके लिए लाभकारी हो सकता है। मीरा साहेब का मंत्र आपको मिल जाएगा। मीरा साहेब की साधना करते हैं तो मीरा साहेब मुस्लिम समुदाय से भले ही है, लेकिन वह हिंदू का देवता भी है। हिंदू का देवता मीरा साहेब का यदि आप साधना करते हैं तो आपको सिद्धि हो जाते हैं और मीरा साहेब आपको सामने प्रकट होकर के सब कुछ बताते हैं। मीरा साहेब की साधना करने के बाद आपका दृष्टि भी खुल जाते हैं और आप आगे पीछे का हाल भी देख सकते हैं। भूत प्रेत भी दिखाई देगा, देवी देवता भी दिखाई देंगे और कई तरह की किसी के बारे में यदि पूछा लगाना है, पूछा जांच करना है, सामने वाले व्यक्ति क्या पूछा आपसे और उसके बारे में उसका जवाब देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति किस काम के लिए आपके पास आए हैं, आपसे क्या चाहते हैं, क्या सिद्धि आपके पास है और कौन सा सिद्धि उसके पास है, वह सब चीज़ आपको एक ही साधना में मालूम चल जाएगा। और मीरा साहेब की साधना यदि आप लोग करते हैं तो देवता तुल्य साधना है, देवता मान करके करें, क्योंकि वह हिंदू का कुल देवता भी है। इसलिए देवता मान करके मीरा साहेब की साधना करते हैं तो आपके घर में भी कई तरह की उपद्रव कलह कलेश का नाश होता है और आगे का सुखी संपन्न जीवन भी आप लोगों का होगा। घर में शांति होगा, कलह नहीं होगा। और साधना मीरा साहेब की करते हैं तो उसमें आपको मुर्गा नैवेद्य ले सकते हैं, लोहबान लीजिए, अग्नि गोईठी के आगे पे उसको हुमार दीजिए। इस प्रकार की उसको जो है साधना है, यदि आप लोग करना चाहते हैं तो मैं डिटेल में बता दूंगा। और मीरा साहेब आपको स्वप्न के माध्यम से शुरू शुरू में आएंगे और बाद में वह सामने भी आएंगे। देवता है इसलिए स्वप्न के माध्यम से ही आपको दर्शन देंगे। यदि आपका दृष्टि खुल जाएगा तब वह आपके सामने में दिखाई देंगे और आपको आगे पीछे का हाल सब कुछ बताएंगे। सिद्ध हो जाने के बाद बताना शुरू कर देंगे। और आप इसी प्रकार का और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।